पत्थर चमक है चमक है पत्थर की चमक है की चमक है चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था पुरखों से विरासत में तुम्हें कुछ न मिला था जो दिख रही है खून पसीने की जो दिख रही है जो दिख रही है मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे चार पंक्तियां सुनी लेकिन चार पंक्तियां और प्राणों थोड़ा सा और खोलने का प्रयास करता हूँ जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है चल पड़े जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है चल पड़े कुछ देर के लिए मेरे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं थोड़ी मुश्किल आती है थोड़ी परेशानी आती है लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए आपको सुनेगा चल पड़े कुछ देर के लिए मेरे माथे बल बल हम सोचने लगे यार लौट चले क्या हम सोचने लगे यार लौट चले क्या हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या फिर सोचा यार छोड़ चल पड़े तो चल पड़ा क्या बैठे हुए सोचा यार छोड़ चल पड़े चलना जरूरी है सबसे कम के पर तो सामान्य स्थिति में तो हम भी धर्म ही होते हैं लेकिन कौन सी स्थितियां होंगी जिनमें हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है निशानहापुर भैया निशानहापुर मोहम्मदी माया ये लगे के लोगों को दिल्ली मुंबई जाना क्यों पड़ता है सबसे आरामदायक स्थिति में घर में होते हैं माँ के हाथ की बनाई रोटी मिलती है भाई बहन को करीब मिलता है पिताजी का स्नेह साथ रहती है लेकिन हमें अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है एक बात कहता हूँ लड़कियों से घर शादी और लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीनने की चाप चलता है मुश्किल की संभलना ही बड़ा घर के वास्ते हमें घर क्यों छोड़ना पड़ता है अगली पंक्ति अगर आपको लग जाए कि आपके मन की है तो इस बार ऐसा इस कम समय घर के वास्ते फिर घर से निकलना ही बड़ा घर के वास्ते मुश्किल की संभलना ही बड़ा फिर घर से निकलना ही बड़ा घर के वास्ते मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया उठाना मजबूरियों का नाम हर शौक बदलना ही बड़ा घर के वास्ते घर के पास लगे घर के लोग इधर के थोड़े से लोग खामोश है आपकी खामोशी थोड़ी सी खल रही है चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ ये रामलीला का मंच है फिर शौक बदलना ही पड़ा घर के पास लेकिन इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है घर में उसका वृंदावन छूट गया था एक किताब है संशय की एक रात नरेश मेहता जी ने उसमें लिखा कि जब भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे थे पर प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति बात कहता हूं कि संशय की एक रात में नरेश मेहता जी ने लिखा कि जब रामचंद्र जी अपने जीवन का सर्वाधिक सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उस रात उन्हें नींद नहीं आई
मैं उस बिंदु पे आते फिटक गया, मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, अगला कोई बड़ा दिन होता है तो रात हमें नींद नहीं आती। लेकिन रामचंद्र जी की पीड़ा गाने के लिए तमाम तुलसीदास जी वाल्मीकि जी लोग हैं, आम व्यक्ति की पीड़ा चार पंक्ति में पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपको। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, अगली पंक्ति देख एक व्यक्ति का सचहोत मेरे साथ हो जाइएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम का बात, हर आदमी की होती है, हर आदमी की होती है एक राम, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। तो हम सबकी कहानी कभी प्रकाशित हो या ना हो, लेकिन ईश्वर का थोड़ा सा वरदान मुझ पे है तो मैं इस माइक पे खड़े होकर बात कह पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कहानी नहीं है, कि आपका अपना कोई संघर्ष नहीं है। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो, तो इस जवाब की अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनसे कहूँ कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, किसी शिक्षक हूँ या कुछ भी करता हूँ। लेकिन मैं इसी काम में क्यों हूँ, चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि ईश्वर कोई क्षमता कोई प्रतिभा कोई टैलेंट दे तो उस पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा का यदि अनादर करते तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आ रही है, ये पंक्तियां जब समाप्त हो तो एक बार ऐसा कोलाहल करें जो अभी तक इस कवि सम्मेलन में नहीं हुआ। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, एक भी हाथ खामोश नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। किस्मत तो हमें पहली बार बुला रहे हो शाहजहांपुर, यूट्यूब पे सारी कविताएं सुनोगे घर पे बैठ के और कवि सम्मेलन में कहोगे कि नहीं। लेकिन मैं नया भी पढ़ता हूँ, चार पंक्तियां सुनना। दीपावली का समय आ रहा है, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक रस्म है गाँव में, जब दीपावली पूजन कर लेते हैं थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, परेवा के दिन कुछ लोग ताश की गट्टी लेके बैठते हैं। आपकी हंसी से मुझे लगा कि यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर ताश की गड्डियां लेकर कुछ 8-10 लोग एक घर बना के जुआ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी फिर वही है कि जो हर समस्या से समाधान ढूंढ ले या समाधान में समस्या ढूंढ ले, तो मैं उस जुए की पनघट से जुए की फल से एक पंक्तियां निकाल के लिए आपके लिए लाया हूँ, सुनिएगा। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, मजा है कहाँ, न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है, न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा
एक शब्द सोचता हूँ आपको, आपको लगे कि आपकी बात हो रही है तो एक बार मेरे साथ जुड़ना। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना की दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने, बस जान लो कि दाव जवाब हजार रुपए का दाव लगाते और पत्ता गिरता है। हजार रुपए लगाने से लेके पत्ता गिरने के बीच का जो रोमांच है उसी रोमांच में करता है, उसी रोमांच में जीवन है। बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप बहुत खुश हो तो दुनिया की नजर लग जाती है आपके ऊपर। आप हिम्मत करते हो, जीवन का दाव लगाते हो तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती। बस दाव लगाने में मजा, कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शाहजहांपुर वालों, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हमने गीता पढ़ी है, गीता का ये देश है, गीता के उपदेश को मानने वाला देश। जब आपको कोई डराने की कोशिश करे, जितने भी लोग यहाँ पहली बार मुझको सुन रहे हो, अगर ये चार पंक्तियां आपके जीवन में किसी भी मुश्किल में काम आ जाएंगी तो मैं सुन लूंगा कि मेरा कर्ज होना सार्थक हो गया। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, आपको बहुत कविताएं सुननी है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ आपको जिस माहौल में, जिस मूड में लाना चाहता हूँ, इन चार पंक्तियों के बाद मेरा पूरा पांडाल मेरे साथ जो मुझको बताए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। लेकिन चार पंक्ति और पढ़ता हूँ, किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए तो उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस, जब डर पता चला। मैं टेस्ट कर रहा था कि आप इतने मन से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अगर मैं दूसरी पंक्तियां वही पढ़ दे रहा हूं तो आप इतने मन से क्यों सुन रहे हैं? मुझे आपके टोकने का फर्ज बनता है कि वाली तो पढ़ चुके हो। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी में वो चेहरे याद करना जिन्होंने आपको अपनी शर्तों पे झुकाने के लिए कोशिश की हो और आपके स्वाभिमान ने मना कर दिया। शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। मेरे परिचय में कहा जाता है, दादा बहुत नम्रता से शिकायत कर रहा हूँ, मुझसे कहा जाता है कि आज के दौर के सर्वाधिक वायरल कवि। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वायरल तो तमाम लोग हैं, पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, रोज ऐसे लोग कोई ना कोई अलूल जलूल हरकत करके वायरल हो जाते हैं। लेकिन मैंने 10 साल की अपनी साधना में कुछ भी किया लेकिन कविता से इधर एक बार भी नहीं गया।
उससे इन दिनों पिछले साल आपको बॉस नहीं मिलता था, लेकिन एक कष्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उसके बाद एक कविता खड़ी करने की कोशिश करूंगा। उससे लोग ये कहते हैं कि वो रील का कभी है, रियल का कभी नहीं है। शायद आप लोग अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि 10 साल रियल में मेहनत की है, तब मोबाइल के माध्यम से रील के माध्यम से आप सब तक पहुंचा। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गीत तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर बार ही बेकार जाएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर बार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर 10 साल लगे, ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाए। बहुत आभार। कैसे लगा ये तुमको एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए दिल से श्रद्धा मरती है, और जब ये देश में जाना है कि उन्होंने अपने प्राण का अंत हो गया है, देह उनकी जो है शांत हो गई है, तो हर देश को ऐसा लगा कि शायद हमारे घरों से कुछ चला गया, हमारे घर का एक हिस्सा चला गया। सरोज दादा बैठे हैं, एक कविता खड़ी करने की कोशिश करता हूँ। रतन टाटा साहब बड़े क्यों थे? इस देश में उद्योगपतियों की कमी नहीं है, अमीरों की कमी नहीं है, लेकिन रतन टाटा साहब बड़े इसलिए थे क्योंकि एक दौर आया कि जब उनकी कार की कंपनी थी टाटा इंडिका, वो फेल हो गई, तो स्थिति ये आई कि उन्हें उस कार को बेचने का निर्णय करना पड़ा। अमेरिका की कंपनी है फोर्ड, उसके मालिक है बिली फोर्ड। उनके साथ रतन साहब की मीटिंग हुई तो बिली फोर्ड ने अहंकार से कहा कि रतन साहब आपको शायद कारों की समझ नहीं है। बात रतन साहब को चुभ गई, उनका स्वाभिमान आहत हो गया और वो डील जरूरी होते भी उन्होंने कैंसिल कर दी, अपने स्वाभिमानों के साथ समझौता नहीं किया। और तालियां इस बात को थे कि 10 साल बाद जब 2008 में रिसेशन आया, मंदी का दौर आया, तो उन्हीं बिली फोर्ड की दो कंपनियां फोर्ड और जगुआर खरीदने वाले टाटा साहब थे। स्वाभिमान बचा लेने के बाद स्वाभिमान को जिंदा रखने की जो कवायद है, इसी कवायद की नींव पर एक गीत पढ़ना चाहता हूं। आप थोड़े लोग एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं गीत दिल की चौखटों ने हमारे जीवन में कभी कोई नुकसान हुआ हो, हमने कोई फेलियर देखा हो, कभी असफल हुए हो, सर आप आईएएस हैं दिव्यानंद सर, एक बहुत विनम्रता से आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि कितने अटेम्प्ट में आपका हुआ था? पहले अटेम्प्ट में, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तमाम आईएएस ऐसे मिलते हैं हमारे उन्नाव में, जो डीएम है गौरांग राठी साहब, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा चौथी बार में मेरा स्वयं हुआ। बात सिर्फ इतनी है कि चौथी बार के बाद आदमी जिला संभालने के लायक हो जाता है, वो हमारे जिले का प्रतिनिधि होता है, पूरा जिला उसकी तरफ पूरी उम्मीद से देखता है कि ये व्यक्ति है तो हम रात में निश्चिंत होकर सो सकते हैं। लेकिन 3 साल जिसमें असफलता उसने देखी, उस वक्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये उसके भीतर का एक साहस होता है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल वो हार नहीं मानता और चौथे साल किसी। तो जब आप असफल हो जाए और अपने माथे पे लगाएंगे, किसी भूमिका का एक गीत शुरू करना चाहता हूँ। एक महल की चौखटों, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार ने, चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, जब आत्मसम्मान पे बात आती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं।
एक महल की चौखटों ने एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बात। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी खुद को भीतर से टटोला और ताकत तो चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी खुद को भीतर से टटोला और जो दीवार से है ये ही दरवाजा। आपके खराब समय में आपको दुकानने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सामान की दुशाला लेकर प्रस्तुत होते हैं। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेगा। अगली पंक्ति दे आपके कलेजे पटक से लग जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहे, इस पंडाल में तालियों का कोलाहल देखते रहे। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे हम इसी दरबार में लौटेंगे हम राजा बनेंगे। लोग जो दीवार से है ये ही दरवाजा बनेंगे हम इसी दरबार में लौटेंगे हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार। गीत का अंतिम बंद पढ़ता और अपने कालकाट का अंतिम हिस्सा आपके चरणों में सौंपता हूँ, सुनिएगा। इस बीमारी की वजह से यदि मेरे मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए हो, किसी शब्द का उच्चारण गलत हो गया हो, किसी शब्द को मैं उच्चारित करने में थोड़ा सा हेरफेर हो गया हो, कोई बात भूल गया हो तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन बदले में इतना प्यार देकर मुझे विदा करिएगा कि अगले साल अगर 2-3 साल नहीं भी आऊं तो मुझे लगे कि आपकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। एक महल की चौखटों बदलाव होता कैसे है या सफलता से सफलता तक की यात्रा होती कैसे और हमें अपने भीतर परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार हो अंतिम पंक्ति और आप सब कसने ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा जिस जगह हम बैठ जाएं ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया हारते रहने में दिक्कत नहीं है हार मान लेने में दिक्कत है जीतना हमको सिखाया अंतिम दो पंक्ति और अपना स्थान जीतना हमको सिखाया जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार में जीतना हमको सिखाया
मिल रही हर हार में, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार।